हेलो दोस्तों, अगर आपको भी कुछ इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग करना है तो हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कितना क्वालिटी है इस फ़ोटो में। और ये सिंपल फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, और ये बना हुआ फ़ोटो है, देख सकते हैं सिंपल फ़ोटो में कैसा है और ये बना हुआ फ़ोटो में कैसा दिख रहा है आपको। चलिए दोस्तों, इस फोटो को ले चलते हैं फ्री प्रोटेस्ट है, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। इस ऐप में आके कोई एक फ़ोटो ले लीजिएगा, मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, और इसको डाउनलोड करके लाइटरूम एप्लीकेशन में मैं चला जाऊँगा। यहाँ कुछ आपको डाउनलोडिंग होगा, उसके बाद से आपको डाउनलोड हो जाएगा तो गैलरी में चला जाएगा। तो आप लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, उसके बाद से एड फोटोज में जाइएगा, और ये आ गया मेरा, इसको मैं ले लिया। और ऊपर देख रहे हैं थ्री डॉट, इस पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर दीजिएगा, और ये सही का निशान मार के सही क्लिक कर लीजिएगा, इस फोटो को बैक कर दीजिएगा, और जिस फोटो को बनाना उसको ले लीजिएगा, और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट सेटिंग पर दाब दीजिएगा। आप देख सकते हैं हो गया सिर्फ एक क्लिक में। इसमें अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर नीचे है, आप चेंज कर लीजिएगा, और देखिए मैं चेंज करता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा वाइट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा हो रहा गया। देख सकते हैं ये वाइब्रेंस को थोड़ा कम कर लीजिए 22, और इसको 21 सिचुएशन को यहाँ से शेयर कर लीजिएगा। स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर यहाँ टूल्स पर क्लिक करके सेलेक्टिव सेलेक्ट करके मेरा सेलेक्टिव, और जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिखेगा वहाँ वहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये हो गया, फिर टूल्स पर क्लिक करके फिर जहाँ ब्लैक दिखेगा वहाँ मार लीजिएगा। देखिए मैं मार रहा हूँ वैसे, इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। देख रहे हैं ऊपर ब्रश का आइकन है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और ये वाला ब्रश ले लीजिएगा, और इसको देखकर सेटिंग देख लीजिए कैसा है, इतना सेटिंग कर लीजिएगा। और तो फोटो को जूम करके मैं थोड़ा साइज कम वैसी कर लेता हूँ, फोटो को जूम करके उस पर ब्रश मारिएगा, देखिए क्वालिटी अभी आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फेस पर क्वालिटी कैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं फेस पर मार के ब्रश आपको दिखाता हूँ कितना क्वालिटी आ रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। अगर इसी तरह फोटो बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहले थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट कर लेता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ फेस पर कितना क्वालिटी आ रहा है कैसे।
तो देख सकते हैं फेस पर क्वालिटी कैसे आ रहा है। अभी आपको लास्ट में दिखेगा फेस पर कितना क्वालिटी आ गया। तो देख सकते हैं ये हो गया मेरा फ़ोटो बनकर तैयार। चलिए इस फ़ोटो को हम शेयर कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं फेस पर क्वालिटी कितना आ रहा है। चलिए हम इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं फेस पर कितना क्वालिटी है। तो देख सकते हैं ये सिंपल फ़ोटो है और ये बना हुआ फ़ोटो है। आप देख सकते हैं कितना क्वालिटी आ रहा है इसमें, कहीं फट नहीं रहा है। अगर आपको भी कुछ इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग करना है तो हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सिंपल फ़ोटो है और ये बना हुआ फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कितना क्वालिटी है। चलिए फिर किसी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए दोस्तों इस फ़ोटो को ले चलते हैं LR लाइटरूम, फ्री प्रोटेस्ट है, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। इस ऐप में आके कोई एक फ़ोटो ले लीजिएगा, मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं इसको डाउनलोड करके लाइटरूम एप्लीकेशन में मैं चला जाऊँगा। यहाँ कुछ आपको डाउनलोडिंग होगा, उसके बाद से आपको डाउनलोड हो जाएगा तो गैलरी में चला जाएगा। तो आप लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा। उसके बाद से एड फोटोज में जाइएगा और ये आ गया मेरा, इसको मैं ले लिया। और ऊपर देख रहे हैं 3 डॉट, इस पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर दीजिएगा और ये सही का निशान मार के सही क्लिक कर लीजिएगा। इस फ़ोटो को बैक कर दीजिएगा और जिस फ़ोटो को बनाना उसको ले लीजिएगा और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट सेटिंग पर दाब दीजिएगा। आप देख सकते हैं हो गया सिर्फ एक क्लिक में। और इसमें अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर नीचे है, वहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। और देखिए मैं चेंज करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरा वाइट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हो रहा गया। देख सकते हैं ये वाइब्रेंस को थोड़ा कम कर लीजिए 22, और इसको 21 सिचुएशन को यहाँ से शेयर कर लीजिएगा। स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर यहाँ टूल्स पर क्लिक करके सेलेक्टिव सेलेक्ट करके मेरा सेलेक्टिव, और जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिखेगा वहाँ वहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये हो गया, फिर टूल्स पर क्लिक करके फिर जहाँ ब्लैक दिखेगा वहाँ मार लीजिएगा। देखिए मैं मार रहा हूँ इसे। इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। देख रहे हैं ऊपर ब्रश का आइकन है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और ये वाला ब्रश ले लीजिएगा और इसको देख कर सेटिंग देख लीजिएगा कैसा है, इतना सेटिंग कर लीजिएगा। और तब फोटो को जूम करके मैं थोड़ा साइज कम वैसी कर लेता हूँ। फोटो को जूम करके उस पर ब्रश मारिएगा, देखिए क्वालिटी अभी आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फेस पर क्वालिटी कैसे आ रहा है। आप देख सकते हैं
देखिए मैं फेस पर मार के ब्रश आपको दिखाता हूँ कितना क्वालिटी आ रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहले थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट कर लेता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ फेस पर कितना क्वालिटी आ रहा है कैसे। तो देख सकते हैं फेस पर क्वालिटी कैसे आ रहा है, अभी आपको लास्ट में दिखेगा फेस पर कितना क्वालिटी आ गया। तो देख सकते हैं ये हो गया मेरा फ़ोटो बनकर तैयार। चलिए इस फ़ोटो को हम शेयर कर लेते हैं, अभी देख सकते हैं फेस पर क्वालिटी कितना आ रहा है। चलिए हम इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं फेस पर कितना क्वालिटी है। तो देख सकते हैं ये सिंपल फ़ोटो है और ये बना हुआ फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कितना क्वालिटी आ रहा है इसमें, कहीं फट नहीं रहा है। अगर आपको भी कुछ इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग करना है तो हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सिंपल फ़ोटो है और ये बना हुआ फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कितना क्वालिटी है। चलिए फिर किसी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।